2021 में हमने उमर गौतम द्वारा कई लोगों के साथ किए गए छल और इस्लाम में परिवर्तित करने की खबर जारी की थी। उत्तर प्रदेश ATS को इस बारे में कई शिकायतें मिली और उमर को पकड़ लिया गया जो किंगपिन था। धर्मांतरण रैकेट का नेतृत्व करने वाले कई डेफ व्यक्ति भी पकड़े गए। इरफान खान नाम का दुभाषिया पकड़ा गया। वह ISLRTC में काम कर रहा था और डेफ को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए छल रहा था। उसने ही उमर की मदद की थी। दो डेफ व्यक्ति मनु यादव उर्फ अब्दुल मनन और राहुल भोला को भी गिरफ्तार किया गया। इस रैकेट में सुनने वाले दो व्यक्ति थे, उमर गौतम और मुफ्ती काजिर जहांगीर काजमी। एक नए अपडेट में उमर के बेटे अब्दुल्ला उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। UP ATS के अनुसार हजारों लोगों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था। यहां तक कि महिलाओं की भी शादी कर दी गई और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। ATS ने यह भी कहा कि लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए उन्हें ISI और विदेशी एजेंसियों से धन प्राप्त हुआ था। हमने 2021 में इस पर एक खबर जारी की थी। वीडियो देखने के लिए विवरण में लिंक्स देखिए। मामले के सभी आरोपियों से पूछताछ की गई, सारी जानकारी जुटाई गई और चार्जशीट तैयार की गई। इसके बाद इसे कोर्ट को सौंप दिया गया। आरोपियों पर IPC की कई धाराओं और उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण निषेध अधिनियम की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इरफान ने जमानत के लिए आवेदन किया था जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया और इसलिए वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और इरफान को जमानत देने से इनकार कर दिया। यूपी सरकार ने जमानत न देने का समर्थन किया और कहा कि इरफान के धर्मांतरण रैकेट में शामिल होने के स्पष्ट सबूत है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति ब्रिजराज सिंह ने कहा कि पुलिस ने इरफान के खिलाफ जो सबूत जुटाए हैं वह बेहद गंभीर है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। जजों ने कहा कि इरफान एक केंद्र सरकार के संगठन ISLRTC में दुभाषिया के रूप में काम करता था। उसने ISLRTC में अपने पद का दुरुपयोग करके लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए फुसलाया और छला है। यह बहुत गलत है। अदालत ने कहा कि उसने सांकेतिक भाषा में अपनी अच्छी पकड़ से लोगों को मनाया और उमर को लोगों का धर्मांतरण करने में मदद की। एक सुनने वाले व्यक्ति होने के नाते उमर डेफ के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं होगा, तभी इरफान को सांकेतिक भाषा में संवाद करने, उसकी स्थिति का फायदा उठाकर डेफ का धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित किया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि उमर गौतम
और उनके बेटे अब्दुल्ला उमर के निजी बैंक खातों में बड़ी रकम होने के सबूत है। जो धर्म परिवर्तन के मकसद से इस्लामिक दावा सेंटर की गतिविधियों को चलाने के लिए थे। अदालत ने कहा कि उसके धर्म परिवर्तन और ब्रेन वॉश करने की आदत के कारण उसे जमानत देने का कोई कारण नहीं बनता है।